जिस तरह से पिरामल हेल्थ केयर ने सोचा है कि डिविडेंड देने के बदले बायबैक करना ज्यादा अच्छा ऑप्शन था, टैक्स एफिशिएंट तरीका है, इसके बारे में क्या लगता है आपको? वैसे वो बहुत सही सोच है, क्योंकि डिविडेंड में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स चला जाता है, क्योंकि इसमें कंपनी को भी फायदा नहीं है, प्रमोटर को भी फायदा नहीं है और शेयर होल्डर को भी फायदा नहीं है। और बायबैक में इस जो बेचना चाह रहे हैं वो बेच सकते हैं, जो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, क्योंकि वो जो इंट्रिंसिक वैल्यू देख के लॉन्ग टर्म अवधि के लिए अगर कोई करना चाहे तो उनको भी फायदा है, और जो इमीडिएटली बेच के लिक्विडेट करके फायदा लेने वाले उनको भी फायदा है। ऊपर से बायबैक में ये टैक्स इंसिडेंस भी नहीं आता है, तो ये बहुत सोच बूझ के किया था, ये इन्वेस्टर फ्रेंडली डिसीजन। लेकिन जो इन्वेस्टर अभी इस कंपनी से निकलना नहीं चाह रहा हो, जो अपने शेयर टेंडर नहीं करना चाह रहा हो, उसको फिर इस प्रोसेस में कोई फायदा नहीं मिलेगा? इस प्रोसेस में उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो लंबी अवधि के लिए रुकना चाह रहे, इस इटसेल्फ इज एन इंडिकेशन दैट कंपनी में वो वैल्यू देख रहे, सो अब वो नहीं निकलना वो खुद का डिसीजन है। सो इस हिसाब से देखे तो वो उनका डिसीजन कोई it is not something against the investor community or something. It was a decision by the investors only not to participate. लेकिन दूसरी तरफ अगर dividend देते तो उसमें irrespective of कि आपके पास कितनी holding है, आपका time horizon क्या है, उसमें हर investor को dividend का फायदा मिल जाता है। दो चीजें जी, बायबैक में वो बोल रहे कि ओनली प्रोपोर्शनेट बेसिस ओनली 20% का शेयर है, अभी आपके पास 100 शेयर है तो आप 20 शेयर बायबैक में दे सकते हैं और 80 शेयर आपके पास रख सकते हैं, सो आप फिर भी 80% आप लंबी अवधि के लिए आप मेंटेन कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा इमीडिएटली पैसा चाहिए लाइक डिविडेंड, आप बायबैक में दे सकते हैं या मार्केट में भी बेच सकते हैं, क्योंकि वेरी लिक्विड स्टॉक। सो डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड में क्या होता है कि थोड़ा पैसा सिस्टम से बाहर निकल गया, गवर्नमेंट के पास पहुंच गया, किसी को भी फायदा नहीं इससे, सो बायबैक इज अ फेयर डिसीजन। लेकिन मान लिया कि 20% की उन्होंने लिमिट लगाई है तो उससे हर इन्वेस्टर तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, तो इसका मतलब ये है कि शायद प्रमोटर की डायल्यूशन लास्ट में ज्यादा हो जाएगी। प्रपोर्शनेट 20% में आप खुद इन्वेस्टर उनका खुद का डिसीजन है कि वो पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो पहले पॉइंट है। दूसरा, अगर वो नहीं किया, डेफिनेटली प्रमोटर स्टेक विल बी डिपेंडेंट ऑन दैट। जो भी यहाँ ज्यादातर शायद प्रमोटर बाहर इन्वेस्टर्स को, बाहर शेयर होल्डर्स को फायदा देने के लिए शायद इस पर अटेम्प्ट शायद किया होगा, और अल्टीमेटली जो स्टेक्स फाइनली टैली होता है वो डिपेंड्स अपॉन जितना रेस्पॉन्स आता है कि जितना नहीं आता है। 600 रुपीज कुछ इन्वेस्टर कम्युनिटी में मानना है कि शायद इतना बड़ा प्राइस नहीं है, वो एक स्कूल ऑफ थॉट है, क्योंकि 600 रुपीज की कंपनी का वैल्यूएशन बनता है 12,000 करोड़, क्योंकि लगभग कंपनी के पास 20 करोड़ शेयर है, और कंपनी रिसेंटली एक पार्ट ऑफ द कंपनी को 16,000 करोड़ में बेचा है, सो एक स्कूल ऑफ थॉट की 12,000 करोड़ की वैल्यूएशन जो दिया हुआ बायबैक प्राइस इटसेल्फ इज नॉट ए सफिशिएंट प्राइस। सो इस हिसाब से देखें या कुछ शायद कुछ इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इसमें। तो अभी तक मैनेजमेंट की तरफ से क्या इंडिकेशन आपको लग रहा है, क्या उनके पास जितनी होल्डिंग है उसका पूरा 20% वो इस बायबैक में टेंडर करने वाले हैं? नहीं, चांसेस सर बहुत लेस है, क्योंकि उनके पास बस 52% है, क्योंकि वो भी बहुत सेंसिटिव परसेंटेज है, क्योंकि जनरली इंडियन प्रमोटर कम्युनिटी में कोई भी 50% से नीचे आना जनरली पसंद नहीं करता है, सो वो टेंडर करने के शायद चांसेस कमी लग रहे हैं, शायद वो डिसीजन बाकी इन्वेस्टर्स कैसे डिसीजन लेंगे इसके हिसाब से शायद कंपनी करेंगे। बट लेकिन मैनेजमेंट बहुत क्लियरली बोला कि उनको उनको कंपनी से एग्जिट करना या बिजनेस एग्जिट करना उसका कोई ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, बस ये एक वर्टिकल के लिए बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है इसलिए वो वर्टिकल को भेजा था, बट लेकिन बिजनेस से एग्जिट करने की कोई उम्मीद नहीं है, और शायद पिरामल फैमिली का स्टेक 50% ऊपर ही मेंटेन करने की वो लोग कोशिश करेंगे। तो अगर पिरामल फैमिली अपना शेयर इसमें बायबैक में टेंडर नहीं कर रही है और बाकी लोगों के लिए 20% की कैप है, इसका मतलब यह है कि इस बायबैक की जो कंप्लीट लिमिट है वो शायद पूरी नहीं होगी, बायबैक काफी कम होगा।
वो क्योंकि 2500 करोड़ का जो लगभग जो बायबैक साइज है उसमें अगर प्रमोटर फैमिली बिल्कुल ही पार्टिसिपेट नहीं करते शायद उसमें 1200-1300 करोड़ का यूज होगा, बाकी यूज बिल्कुल ही नहीं होगा। वो हाई लाइकली प्रॉबिलिटी है, शायद वो फिर डिसाइड करेंगे उसको क्या करें। क्योंकि और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है पेरामल केस में, वो टेंडर रूट चूज किया। जनरली अगर हिस्ट्री देखे तो इंडिया का प्रमोटर्स आजकल ओपन मार्केट बायबैक रूट चूज कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी कभी चाहे जाके मार्केट में खरीद सकते जहां चाहे इतना। बट लेकिन इस बार जो है चोजन टेंडर रूट 20% का प्रोपोर्शनेट होल्डिंग, दैट इटसेल्फ इज थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अगर एक बंदे को पूरा बेचने के मूड में है, अगर एक बंदा बिल्कुल ही देखने के नए मूड में है, इसमें टेंडर ऑफर में वो मजा, दोनों को मजा नहीं आएगा। वेयरएज ओपन मार्केट परचेज में उसमें इमीडिएटली बेच के आप पैसा ले सकते, क्योंकि लेकिन बायबैक में, ओपन मार्केट बायबैक में एक साल लंबी अवधि लगती है, वेयरएज टेंडर ऑफर 3 महीने में कंप्लीट हो जाती है। शायद इस वजह से वो लोग टेंडर ऑफर शायद चूज किया होगा। आपकी अपनी एडवाइस क्या रहेगी, जो अभी पिरामल के शेयर होल्डर्स हैं वो इसमें टेंडर करें या फिर रखे रहें? अभी इसमें 3 स्टेजेस है। वन इज जो आर्बिट्राज हिसाब से देखे बायबैक शायद इतना आर्बिट्राज शायद इतना बचा नहीं, क्योंकि 20% इज द टेंडर ऑफर। अगर आज के दिन में आप 100 शेयर खरीदे 50,000 इन्वेस्ट करके, आपको 10-20 शेयर टेंडर का पॉसिबिलिटी मिलेंगे, दैट मीन्स 20 × 600 आपको 12,000 शेयर का 12,000 रुपए कंपनी प्रोमोटर्स में मिलेंगे। बट लेकिन बाकी 38,000 वो आप रिमेनिंग शेयर से आप रिकवर करना पड़ेगा। उसका एवरेज प्राइस लगभग बनता है 480-490 रुपीज। शायद इतना आर्बिट्राज के लिए इतना एक्साइटिंग प्रपोजिशन है नहीं, इसलिए शेयर प्राइस इमीडिएटली उस दिन 5% गिर गया।